नाबार्ड ने न सिर्फ महिलाओं को आत्मनिर्भरता से जोड़ा, साथ में उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी काम किया है। ये कहानी है अलवर जिले के बानपुर ब्लॉक में नाबार्ड के सहयोग से युवा जागृति संस्थान द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की। आज से 5 साल पूर्व जब 2015 में SHG गठन का कार्य नाबार्ड ने जिम्मेदारी सौंपी युवा जागृति संस्थान को, तब इस कार्य प्रारंभ करके आज अगर हम बात कर रहे हैं बानपुर ब्लॉक के 148 गाँव में आज ये स्वयं सहायता समूह का जो मूवमेंट है, एक रूप से आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास इन महिलाओं को कर रहा है। जहां पहले अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए ये महिलाएं आश्रित थी अपने पति पर, लेकिन आज ये आत्मनिर्भरता की ओर जुड़ रही थी। बात हम किसानों की करें तो किसानों को किसान क्लब से जोड़कर उन्हें खेती में नवाचारों से जोड़ने का एक प्रयास भी युवा जागृति संस्थान ने नाबार्ड के प्रयासों से किया है। आज जहां बानपुर में प्रगतिशील किसान कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग व अन्य विभागों से ट्रेनिंग प्राप्त करके अपने आप को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ा रहे हैं, यही कहानी इन महिलाओं की है जो पहले चूल्हे चौकी तक सीमित थी, लेकिन आज बागवानी, सब्जी उत्पादन या कृषि में किए जाने वाले नवाचारों से अपने आप को जोड़कर और अपनी ना सिर्फ आमदनी को बढ़ाने का काम कर रही है, साथ में अपने परिवार की आर्थिक सशक्तिकरण की ओर भी बढ़ा रही है। इसी क्रम में अगर हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की बात करें या फिर कृषि में सिंचाई की नवीन जो पद्धतियां हैं, ड्रिप इरिगेशन की बात करें, इस तरह का प्रयास भी साझा रूप से संस्था ने इन किसानों को फार्मर क्लब में जोड़कर किया है। आज नाबार्ड के 40वें स्थापना दिवस पर हमें खुशी है इस बात की कि नाबार्ड ने ना सिर्फ किसानों को, महिलाओं को एक साझा मंच प्रदान करके आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की ओर बढ़ाने का काम किया है, साथ में ये महिलाएं आज पशुपालन से जुड़कर अपनी आमदनी को भी बढ़ाने का काम कर रही हैं, चाहे बकरी पालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, या फिर हम बात करें कृषि में इसी प्रकार के नवाचारों की, जहां किसान परंपरागत खेती को छोड़कर और उन्होंने सब्जी उत्पादन को अपनाया। उसमें एक कहानी हम घनश्याम जी की से साझा करना चाहेंगे जो चतरपुरा के पास स्थित थे, जिन्होंने मात्र एक अपनी एक बीघा की भूमि पर सब्जी में मिर्ची उत्पादन का काम आरंभ किया। आज धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो जमीन थी उसके आसपास के क्षेत्र में सब्जी उत्पादन से आज वो पहले आरंभ किया, तब एकमात्र व्यक्ति ने आरंभ किया था, लेकिन वो सालाना मिर्ची उत्पादन से अगर हम उनके मुनाफे की बात करें तो 4 से 5 लाख रुपए सालाना वो सब्जी उत्पादन में आज आय के रूप में अर्जित कर रहे हैं। जहां पहले वो लोगों के यहां नौकरी करते थे, आज उनके फार्म हाउस पे 4 से 5 महिलाओं को रोजगार मिलने के साथ साथ वो आगे भी बढ़ रही हैं। इसी प्रकार किसानों को मुर्गी पालन से जोड़ते हुए आज हमारे बहुत से 40 से 50 ऐसे फार्मर्स हैं जिन्होंने मुर्गी पालन को अपनाया, जहाँ उनके आरंभ में मात्र 1000 से 2000 चूजों से उन्होंने अपने मुर्गी फार्म हाउस को स्टार्ट किया था, आज वो बढ़कर आगे बढ़ रहा है। ये एक युवा जागृति संस्थान के द्वारा इसके बारे में जो बताया गया है, वीडियो साहब ने बताया है, बाकी पहले मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया है, ये बिल्कुल सही बात है जो मैंने भी ऑब्जर्व की है। 2 साल से मैं यहाँ पे अलवर में हूँ और ये देख रहा हूँ कि जो काम ये कर रहे हैं 2 साल से निरंतर वो काबिल तारीफ है। हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। क्या सीखा आपने? बहुत खुशी होगी अगर आप लोग बनाएंगे और सीखे जाए। मेरा नाम सीमा सैनी है, मैं गांव बांसू की रहने वाली हूँ। मैंने युवा जागृति संस्थान में स्किल का कोर्स किया था। स्किल का कोर्स करने के बाद यहाँ पे रोजगार देने का आयोजन हुआ और यहाँ पे दिल्ली से टीम आई थी, उसमें इंटरव्यू हुआ और मेरा BPO में सिलेक्शन हुआ। आज मैं BPO में काम कर रही हूँ और मैं नाबार्ड को ही धन्यवाद देना चाहती हूँ कि यहाँ पे स्किल्स के जो नाबार्ड यहाँ पे योजनाएं चला रही है वो अधिक से अधिक इधर रोजगार देखे, तो यहाँ के गांव के लोग हैं वो रोजगार लेंगे और कंप्यूटर सीखेंगे, तो जो बेरोजगार लोग हैं वो सीख कर आगे बढ़ेंगे, उनको रोजगार मिलेगा और वो आगे बढ़ पाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ युवा जागृति संस्था में नाबार्ड को, जो यहाँ पे लोगों को रोजगार प्रशिक्षण दिए जाते हैं और रोजगार भी दिए जाते हैं।